एक रोटो का प्रॉब्लम है, कपलिंग बेस्ड, हमें दो कॉयल दी हुई हैं। आप सेकंड वाला डायग्राम देखिए, क्रोटो में जिस तरह से बनाया हुआ है मैं वैसे बनाता हूँ, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है और मुझे इसमें प्रॉब्लम लग रही है, मैं वो इश्यू बता देता हूँ। इस तरह से डायग्राम दिखाया है, करंट, फॉर्चुनेटली ये दो चीज़ दिखा दी है, दो एरो, और ये दो एरो दिखा रहे हैं करंट, और जो कनेक्शन दिखाया है वो स्ट्रेंजली यहाँ से ऐसे दिखाया है। मतलब एक कॉयल जब टर्मिनेट हो रही है तो उसका जो है एंड जो है दूसरी कॉयल के एंड में लगा दिया, और एक ही साइड से इनपुट आउटपुट निकाल रहे हैं, मगर करंट का डायरेक्शन सेम दिया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ करंट डायरेक्शन सेम है, लेकिन जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दिखाया है, अगर आप उसमें एक्चुअली देखिए, मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ उससे क्लियर होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यूज़फुल रहेगा। अभी एक और डायग्राम देखिए, अगर मैं इस कॉयल के ऊपर ये एक और कॉयल रखता हूँ, ये है एक और कॉयल, रेड वाली कॉयल जो है बाहर है, उसके ऊपर है, ऐसे है। अब आप देखिए प्रॉब्लम क्या है, जिस तरह से कनेक्शन दिखाया उसमें प्रॉब्लम, हो सकता है मैं गलत हूँ, गलत होऊंगा तो आप करेक्ट कर दीजिए, पर जैसा मुझे लग रहा है मुझे बताना ज़रूरी है। अगर मैं एक एंड से करंट लेता हूँ और दूसरी कॉयल में उसी साइड से करंट बाहर निकालता हूँ, तो क्या हो रहा है, इस कॉयल में मैंने करंट दिया है, यहाँ पे आया तो मुझे नेचुरली यहीं पे कनेक्ट करना है ऐसे, तो क्या होगा, इसका करंट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि कॉयल का वाइंडिंग अगर सेम पैटर्न का है तो सेम डायरेक्शन में करंट होने के लिए सेम साइड से दोनों में इनपुट होना चाहिए था। तो अभी वाला जो है इसमें दोनों करंट अपोजिट आएगा मेरे हिसाब से, तो मैं कनेक्शन को छोड़ देता हूँ, पता नहीं उसमें किस तरह से दिखाया है, मैं ये मान के चलता हूँ कि अपोजिट ना होके सेम है, सेम डायरेक्शन है। उसके लिए एक्चुअली मैं क्या करता हूँ वो अलग बात है, उस कन्फ्यूज़न में नहीं जाऊँगा और कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। मैंने यहाँ से अगर इनपुट दिया ब्लैक का, मुझे आउटपुट यहाँ से लेके रेड में यहाँ देना था, और रेड से मुझे यहाँ से निकालना था, तब दोनों के करंट सेम डायरेक्शन में आते, आप चाहे उसको करके देख लीजिए, क्योंकि मैं कॉयल से बहुत खेलता रहता हूँ, सो आई एम यूज्ड टू वर्किंग विद कॉयल्स, तो मुझे ये थोड़ा अटपटा लगा इसलिए मैंने सोचा इसमें मेंशन कर देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट्स क्या है, कंसेप्ट्स दो तीन हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का है और एक सेल्फ इंडक्टेंस का है। सपोज अंदर वाली कॉयल में टर्न्स N1 पर यूनिट लेंथ है, बाहर वाली टर्न्स में कॉयल में टर्न्स N2 पर यूनिट लेंथ है, सपोज दोनों का लेंथ भी सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाया है वो एग्जेजरेटेड है तो उसे छोड़ दीजिए। सो सेल्फ इंडक्टेंस कॉयल का क्या हुआ, L1 हुआ म्यू नॉट N1 स्क्वायर AL, और L2 हुआ म्यू नॉट N2 स्क्वायर AL, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, दोनों कॉयल का डिराइव करने का जरूरत नहीं, आपको पता होगा। और दोनों कॉयल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, कॉयल वन से अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 होगा म्यू नॉट N1 I, दोनों में करंट सेम जा रहा है, और म्यू नॉट B2 होगा म्यू नॉट N2 I, ये करंट होगा दोनों कॉयल में, I सेम जा रहा है, सीरीज में कनेक्टेड है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों कॉयल की वजह से होगा इस स्पेस में, इस स्पेस का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है AL, इसी स्पेस में जो करंट होगा, इस स्पेस में करंट I था कॉयल्स में, और मैग्नेटिक फील्ड होगा स्पेस में B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, B1 B2 यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं B1 प्लस B2 लिखूँगा, यानी कि म्यू नॉट I N1 प्लस N2। अब इसका पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये स्मॉल u लिख रहा हूँ मैं, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, उसका वैल्यू होगा B² / 2 μ0। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्पेस में है तो उसमें मैग्नेटिक एनर्जी होगी, उस मैग्नेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो गया 1/2 μ0, और B² की वैल्यू हो गई, ऊपर आएगा μ0² I² N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस 2 N1 N2। इसमें आप N1 N2 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये ऊपर हल्का सा सॉल्व करके आ रहा है अपॉन 2 ऐसे आ रहा है, N1 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, L1 अपॉन म्यू नॉट AL,
एन टू स्क्वायर का वैल्यू कितना है, एल टू अपॉन म्यू नॉट ए एल, और ट्वाइस एन वन एन टू का वैल्यू कितना हुआ, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट एल वन एल टू अपॉन म्यू नॉट ए एल इंटू टू। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आया हमारा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ए एल, एल वन प्लस एल टू प्लस ट्वाइस रूट एल वन एल टू। इसका वैल्यू आया म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन टू, म्यू नॉट कैंसिल हो गया, सॉरी म्यू नॉट कैंसिल हो गया, अपॉन ए एल, एल वन प्लस एल टू प्लस ट्वाइस रूट एल वन एल टू। अब अगर मैं इसको सिंगल कॉयल से रिप्लेस करूँगा, पहली बात तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, टोटल एनर्जी कितनी हुई, ए एल से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड, टोटल एनर्जी आ जाएगी मेरी, सो ये हुई आई स्क्वायर अपॉन टू एल वन प्लस एल टू प्लस ट्वाइस रूट एल वन एल टू। अब ये क्या है, अगर मैं इन दोनों कॉयल को एक कॉयल इक्विवेलेंट कॉयल से रिप्लेस करता हूँ, इक्विवेलेंट कॉयल से, और उसमें करंट आई अगर जाएगा तो उसका एनर्जी कितना होगा, सपोज उसका इक्विवेलेंट कॉयल का इंडक्टेंस एल है और करंट आई जा रहा है, तो एनर्जी होगा हाफ एल आई स्क्वायर, टोटल एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है टोटल है, और ये भी हमारा टोटल आया, तो इसको एल इक्विवेलेंट आई स्क्वायर अपॉन टू से इक्वेट कर दीजिए, आई स्क्वायर अपॉन टू चेंज हो गया, तो इक्विवेलेंट एल दोनों कॉयल का आया एल वन प्लस एल टू प्लस ट्वाइस रूट एल वन एल टू। अगर परफेक्ट कपलिंग है तो हम जानते हैं एम वन टू या इज इक्वल टू एम टू वन इज इक्वल टू रूट एल वन एल टू, तो इस तरह से भी उसको लिख सकते थे, खैर वो जरूरत नहीं है।